कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा तिसंगोस्तविकर्मणि। धरती माँ शक्ति भी मदिरा की भांति होती है। इसके मद में चूर व्यक्ति को कभी कभी इसका भी होश नहीं रहता कि वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। परिणाम ये होता है कि उसकी जीवन नौका किसी चट्टान से टकराकर उलट जाती है। सहस्रार्जुन के साथ भी यही हो रहा है। ऋषियों और आश्रमों की अंधे शत्रुता में वो परिणाम का ध्यान किए बिना आगे ही बढ़ता जा रहा है और वो इस मार्ग पर जितनी दूर आगे बढ़ता जा रहा है उसकी वापसी की संभावना उतनी ही कम होती जा रही है। देखें रावण से उसका टकराव क्या रंग लाता है। लंकापति रावण कैसा लग रहा है आपको? वैसे ही जैसे वन में विचरते सिंह को पिंजरे में बंद होकर लगता है। किंतु हमने तो बहुत ख्याति सुनी थी आपके पराक्रम और आपकी वीरता की, किंतु ऐसा लगता है कि वो मात्र कथाएं थी। हमारे मुट्ठी भर सैनिक आपको बंदी बनाकर ले आए। सत्य बात तो यह है लंकापति कि हमें उनके साहस और उनकी वीरता पर बहुत आश्चर्य हुआ। परंतु जब मुझे ज्ञात हुआ कि मुझ पर आक्रमण करने वाले और मुझे बंदी बनाने वाले माहिष्मति नरेश सहस्र अर्जुन उसके सैनिक हैं तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इस धरती पर केवल सहस्र अर्जुन ही ऐसा कायर है जो एक निशस्त्र
और अकेले व्यक्ति पर आक्रमण करने और उसे बंदी बना लेने को वीरता का नाम दे सकता है? सहस्र अर्जुन, तुम वीर नहीं हो, इसलिए तुम वीरता की परिभाषा भी नहीं जानते। छल, कपट और धोखे को तुम वीरता कहकर पुकारते हो। छल कपट धोखा ये शब्द उस व्यक्ति के मुंह से निकल रहे हैं जो सिर से पैर तक छल की चलती फिरती मूर्ति है, जिसका सारा जीवन कपट की विशाल गाथा है और धोखा जिसके चरित्र का प्रधानतम अंग है। नहीं लंकापति, तुम जैसा व्यक्ति मेरी वीरता पर प्रश्न चिन्ह लगाने का अधिकार नहीं रखता। तुम वीर होते तो मुझ पर उस समय आक्रमण क्यों किया जब मैं भगवान शिव की आराधना में लीन था? सामने से किया होता आक्रमण कहकर किया होता? उस समय किया होता जब मेरे हाथों में अस्त्र शस्त्र होते? सहस्र अर्जुन, उस समय किया होता? तुमने मेरी तपस्या भंग और छल जैसे दो अपराध किए हैं, दो अपराध सहस्र अर्जुन। मुझ पर छल का आरोप लगा रहे हो लंकापति, जबकि समस्त संसार जानता है कि तुमने अपने भ्राता कुबेर के साथ छल करके उससे लंका छीन ली थी, उसे इतना आतंकित कर दिया था कि वो विवश होकर लंका छोड़कर भाग गया। सत्य बात तो यह है लंकापति कि तुम राजा नहीं मात्र आतंकवादी हो, आतंकवादी। इस संसार का सबसे बड़ा आतंकवादी मुझे आतंकवादी कह रहा है। सहस्र अर्जुन, देख कि तेरे राज्य में क्या त्राही त्राही मची हुई है। किसी नारी का सम्मान तेरे हाथों सुरक्षित नहीं। शिशुओं को तेरे नाम से भयभीत किया जाता है। ऋषि मुनि तेरा नाम सुनकर मुख फेर लेते हैं और सज्जन तेरी परछाई से कतराते हैं। सहस्र अर्जुन, तुझसे बड़ा आतंकवादी तो ना आज तक जन्मा है और ना ही कभी जन्मेगा। बंद कर अपनी ये बकवास। तू मेरे ही सभागार में खड़ा मेरे ही आत्मसम्मान को ललका रहा है। छन को इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। सहस्र अर्जुन, मुझे कोई नहीं मार सकता, मैं मृत्युंजय हूं, मुझे कोई नहीं मार सकता। ले जाओ इसे और डाल दो इसे कारागार के गर्भ में। लंकापति, यदि तुम मेरे हाथों मर नहीं सकते तो यह भी जान लो कि तुम मेरे होते हुए इस नीले आकाश के तले जी भी नहीं सकते। तुम्हारी मृत्यु पर तो मेरा अधिकार नहीं, परंतु तुम्हारी स्वतंत्रता पर मेरा अधिकार अवश्य है। आज के दिन से आने वाले 10 वर्षों तक तुम सूर्य का मुख भी नहीं देख पाओगे। ले जाओ इसे। Thank you.
एक भयानक और बहुत दूरगामी कथा आरंभ हो चुकी है। क्या हो गया है गुरुदेव? एक लौह दूसरे लौह से टकरा गया। सहस्त्र अर्जुन ने मेरे एक भक्त को बंदी बना लिया। तब तो आप सहस्त्र अर्जुन को अवश्य दंडित करेंगे। नहीं वत्स, सहस्त्र अर्जुन को दंड देने का कार्य विधाता ने किसी और के भाग्य में लिखा है, और वैसे भी मेरे भक्त लंकापति रावण को अपनी शक्ति पर बहुत अभिमान हो गया था। सहस्त्र अर्जुन के इस कार्य से रावण के अभिमान की कम से कम एक परत तो कम हो ही जाएगी। मेरे लिए क्या गया है गुरुदेव? तुम्हारे अभ्यास का पहला चरण आज से आरंभ होगा वत्स। हे गुरुदेव, मुझे क्या करना होगा? तुम्हें हिमजल में खड़े होकर धनुर्विद्या का अभ्यास करना होगा। प्रत्येक बाण छोड़ने के पश्चात तुम्हें अपना हाथ उस शीतल हिमजल में डुबोना होगा। तुम्हारा यह अभ्यास एक दो दिन का नहीं होगा, पूरे 10 वर्ष का होगा। किंतु उस हिमजल की शीतलता को आत्मसात कर लेने और इस कठोर अभ्यास के पश्चात तुम एक ऐसे धनुर्धारी बन जाओगे जिसके जैसा दूसरा धनुष बाण चलाने वाला इस धरती पर अनंत काल तक जन्म नहीं ले सकेगा। जाओ वत्स, अपने अभ्यास का शुभारंभ करो। जाओ वत्स। राजन, इतने निर्दयी मत बनिए। अभी तो इस आश्रम को बने एक पहर भी नहीं बीता है। रोक जाओ सैनिकों। क्या आप नहीं चाहती कि आश्रम को आग लगा दी जाए? कौन चाहेगा राजन कि उसके परिश्रम को निर्दिन अग्निज्वाला की भेंट चढ़ाया जाए? तो एक काम कीजिए, एक दिन हमारे राजभवन आइए। हो सकता है कि ऋषियों और हमारे बीच कोई संधि का मार्ग निकल आए। आप नहीं जानती देवी कि आपके प्रति हमारे मन में एक विशेष स्थान है। दोस्त, अपनी जीवा को वश में रख। स्वामी आप समझे नहीं ऋषिवर, हम अच्छी तरह जानते हैं कि देवी रेणु का एक राजकन्या है, उसका संबंध राजवंश से है। इस कारण वो आपकी तुलना में हमारे वर्ग के अधिक निकट है। चलो सैनिकों। तुमने मुझे क्यों रोका रेणुका? मैं उस दुष्ट को उसकी दुष्टता का उत्तर अवश्य देता। स्वामी, वो पागल है और पागल कभी किसी की नहीं सुनता, वो केवल अपनी कहता है। और मैं नहीं चाहती स्वामी कि वो किसी प्रकार की हानि आपको पहुंचाए।
देवी। आप चाहते क्या हैं राजन? क्यों आप बार बार हमारी एकाग्रता को भंग करने के लिए आ जाते हैं? तुम्हें यह बताने के लिए देवी कि कोमल पुष्प केवल मधुवन की शोभा बनते हैं। यदि आपको ये पता है तो आपको इस बात का भी ज्ञान होगा राजन कि राजा राजमहलों की शोभा बढ़ाते हैं। वे बार बार आश्रमों और पाठशालाओं पर आकर अपने घोड़े की टापों से उनका विध्वंस नहीं करते, उनका नाश नहीं करते राजन। हम केवल राजा नहीं देवी, सम्राट सहस्र अर्जुन है। ये पूरा क्षेत्र हमारा है और क्षेत्र के कण कण पर हमारा अधिकार है। आप कब तक हमारी सहनशीलता की परीक्षा लेते रहेंगे राजन? विचित्र बात है, यही प्रश्न तो हम आपसे करने वाले थे। अर्थात कब तक ली जाती रहेगी हमारी सहनशीलता की परीक्षा? अब तक हम शीतल पवन के झोंके के लिए तमसाते खड़े रहेंगे। प्रतीक्षा करते करते एक दिन तुम्हारा दम घुट जाएगा राजन। मैं सहस्र अर्जुन हूं देवी, इससे पहले मैं अपने हर प्रतिद्वंदी की सांसें छीन लूंगा। राजन, किस प्रतिद्वंदी की बात कर रहे हैं आप? यदि आप अब भी नहीं समझे ऋषिवर, तो कभी नहीं समझ पाएंगे। तो फिर आप ही समझा दीजिए ना राजन। कोई आवश्यक नहीं ऋषिवर कि हर बात हर एक की समझ में आ जाए। समझने वाले स्वयं ही समझ लेते हैं। मैं माँ हूं, धरती माँ। ठिठुरते पानी में, कप कपाते शीत में, बालक परशुराम ने अपने गुरु शिव शंकर के आदेश पर धनुर्विद्या का कठोर अभ्यास आरंभ किया था। हर दिन उस बालक के धैर्य की परीक्षा कर रहा था, पर वो हर परीक्षा में सफल होता रहा और इस प्रकार 10 वर्ष बीत गए। पार्वती पते हर हर महादेव, शंभो। शंभो, हे शिव शंभो, शंभो। उठो वत्स। शंभो, इस कठिन अभ्यास के फलस्वरूप, जो किसी भी प्रकार एक कठोर तपस्या से कम नहीं था, तुमने अपने आप को धनुर्विद्या का सर्वोत्तम जानकार बना लिया है। शंभो, इस हिमजल की शीतलता को सहन करके तुमने अपने आप को एक ऐसा आचार्य बना लिया है जिसका उदाहरण ना अभी तक कभी हुआ है ना ही भविष्य में होगा। धन्यवाद गुरुदेव, परंतु हे शंभो, हे देवाधिदेव, मैं आचार्य नहीं बनना चाहता। मेरे जीवन का प्रथम और अंतिम लक्ष्य धूर्त सहस्रार्जुन के आतंक का अंत करना है, जो उसके वध के बिना संभव नहीं है। शिव शंभो, मैं जानता हूं जितने समय तुम अपने अभ्यास में लीन थे, वो दुष्ट इतना बड़ा आतताई, आतंकवादी और बलात्कारी बन चुका है कि सारी धरती कराह उठी है।
उसने आपके पिता सहित सभी ऋषियों का जीवन दयनीय बना दिया है। अब उसके आतंक का अंत करना आपके हाथों में, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। हे देवाधिदेव, परंपरा है कि शिक्षा पूर्ण होने के उपरांत हर शिष्य अपने गुरु के चरणों में गुरु दक्षिणा अर्पित करता है। मुझे आदेश दीजिए हे शिव शंभो कि आपके चरणों में ये आपका शिष्य क्या गुरु दक्षिणा भेंट करे। गुरु दक्षिणा गुरु का जन्म सिद्ध अधिकार है, वो तो मैं अवश्य लूंगा, किंतु अभी नहीं। अभी तो जो आपकी इच्छा है वही मेरी इच्छा भी। सहस्र अर्जुन के अत्याचारों का अंत जब यह कार्य संपन्न हो जाएगा तब मैं गुरु दक्षिणा भी अवश्य लूंगा। हे देवाधिदेव, हे शिव शंभो, आप जब भी गुरु दक्षिणा मांगेंगे और जो भी मांगेंगे मुझे उसे देने में हार्दिक प्रसन्नता होगी। ये लीजिए, आज से बिना धनुष आपका हुआ, इसे अपने साथ ले जाइए। परंतु सहस्र अर्जुन को समाप्त करने के लिए यह धनुष पर्याप्त नहीं होगा, अतएव मैं आपको एक ऐसा शस्त्र दूंगा जिसका शस्त्र के रूप में प्रयोग अभी तक नहीं हुआ है। एक ऐसा शस्त्र जो आपकी पहचान बनेगा, जिसका नाम आपके नाम के साथ सदा के लिए जुड़ जाएगा। ओ परशु है, इसे लीजिए और अपने अभियान का शुभारंभ कीजिए। इस परशु के कारण आपका नाम परशुराम होगा, आप अनंत काल तक इसी नाम से जाने जाएंगे। यह परशु आपकी पहचान बनेगा। आपको पूरी रात इस शस्त्र की पूजा करनी होगी। बधाई हो कमलनयन, बहुत बहुत बधाई हो। मैं न कहती थी कि आपका अंश अवतार यदि हमारे शिव शंभू के पास जा रहा है तो वहां से कुछ ऐसा ही लेकर लौटेगा जो आज तक कभी किसी ने नहीं पाया। हे पद्मनाभ, जिस प्रकार ताल कभी किसी को प्यासा नहीं लौटने देता, उसी प्रकार हमारे शिव शंभू के द्वार से कभी कोई रिक्त हाथ नहीं लौटता। उन्होंने आपके अंश अवतार को न केवल ऐसा शस्त्र दिया है जिससे कोई नहीं बच सकता, वरन एक ऐसा नाम भी दिया है जिसे सदा के लिए संसार स्मरण रखेगा। बधाई के लिए बहुत धन्यवाद महादेवी, परंतु सत्य पूछिए तो मैं ये निर्णय ही नहीं कर पा रहा हूँ कि इस अवसर पर मुझे हर्षित होना चाहिए या चिंतित। क्यों, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कमल नयन? आपका अंश अवतार सहस्रार्जुन के आतंक को मिटाने जा रहा है, ये तो हर्ष का विषय है, इसमें चिंता की क्या बात है? महादेवी, सारा संसार मुझे पालनहार के रूप में जानता है और मेरा ये अंशावतार हिंसा के मार्ग का पथिक होने जा रहा है। ये तो ऐसा हुआ महादेवी जैसे श्रावण की घनघोर घटा वर्षा के स्थान पर सूरज की तपती किरणें लुटाने लगे। ये तो परस्पर विरोधी बात हुई ना महादेवी? कदापि नहीं। हे सर्वेश्वर, जो पालनहार होता है वही संरक्षण भी देता है और जो संरक्षण करता है वही सुरक्षा भी देता है। मानव की सुरक्षा के लिए शस्त्र उठाना हिंसा नहीं होता। आपका अंश अवतार वही कर रहा है जो उसका धर्म है। आपने साधारण स्थितियों में मानव के लिए पालनहार का चरित्र निभाया है, परंतु जब भी उस पर अत्याचार हुआ है
आपने पाप विनाशक बनकर सुरक्षा प्रदान की है। यही तो आपके चरित्र का सौंदर्य है। इसी ने आपको आराध्य बनाया है, इसीलिए आपको चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं। किन शब्दों में आपका आभार प्रकट करूं महादेवी? मेरे मन का बोझ हल्का करने के लिए ऐसे सुंदर शब्दों का चयन केवल आप ही कर सकती थी। और ये शब्द अपना सौंदर्य केवल आप ही की मधुर वाणी से प्रकट कर सकते थे। आपने मेरी सारी चिंता मिटा दी, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। रेणुका, रेणुका क्या सोच रही हो? रेणुका स्वामी, पूरे 10 वर्ष बीत गए हैं, मैंने राम को नहीं देखा। पता नहीं जीते जी मैं उसका मुख देख भी पाऊंगी कि नहीं। ऐसा मत कहो रेणुका, धीरज रखो। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, वो अवश्य लौटेगा। कब लौटेगा स्वामी? जब मेरे नैनों की ज्योति बुझ चुकी होगी, जब मेरे सांसों की श्रृंखला टूट चुकी होगी, तब लौटेगा स्वामी। ऐसा मत कहो रेणुका, मुझे पूरा विश्वास है कि अब उसके लौटने में अधिक समय नहीं है। और फिर वैसे भी हमारे शेष 4 पुत्र तो हमारे साथ ही है ना। पिताश्री। क्या बात है पुत्रों, लगता है उस दुष्ट शेषराजुन को हमारे इस ठिकाने का भी पता चल गया। हाँ पिताश्री, उसके सैनिक तो इसी ओर आ रहे हैं। दुष्ट हमें धरती के किसी भी अंश पर चैन से जीने नहीं देगा। जिसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने की ठान ली हो रेणुका, उसका सामना धीरज और सहनशीलता से किया जा सकता है। समाप्त हो गई है मेरी सहनशीलता, टूट गए हैं मेरे धीरज के बांध। अब मैं और धीरज नहीं धर सकती स्वामी। तो और हम कर भी क्या सकते हैं? मैं स्वयं दुष्ट सहस्र अर्जुन के समक्ष जाऊंगी स्वामी। क्या? और तुम उसके समक्ष पहुंचकर क्या करोगी? मैं उससे ये कहूंगी स्वामी कि आतंक और अत्याचार की भी एक सीमा होती है। कदाचित एक स्त्री की फटकार सुनकर उसे लज्जा आ जाए। नहीं रेणुका, मैं आपको उसका परामर्श नहीं दूंगा। क्यों स्वामी? देखो रेणुका, शेषर अर्जुन जो कुछ कर रहा है वो जानबूझकर कर रहा है, सोच समझ कर कर रहा है। लज्जा, आचरण, सभ्यता और शालीनता जैसे शब्द उसने अपने शब्दकोश से निकाल फेंके हैं। आप उसकी भाषा समझ नहीं पाएंगी और वो आपकी भाषा समझना नहीं चाहेगा। रेणुका, आपको वहां जाने से कोई लाभ नहीं होगा। स्वामी, मैं एक ऋषि पत्नी भी हूं और एक राजकन्या भी, इसलिए मुझे भली भांति ज्ञात है कि राजाओं से किस प्रकार की भाषा में बात की जानी चाहिए। मेरा विश्वास कीजिए स्वामी, जिस प्रकार मैं सहस्रा अर्जुन से बात करूंगी, उसकी निर्लज्जता का कवच चीर चीर हो जाएगा। ठहर जाओ, क्यों आए हो यहाँ? आपको यह स्थान छोड़ना होगा। क्यों? क्योंकि इस स्थान के स्वामी महाराज सहस्रा अर्जुन है और आपने ना तो ये भूमि मोल ली है और ना इस पर बसने के लिए निवास कर दिया है। और यदि हम ये स्थान ना छोड़े तो फिर हमको वही करना होगा जो हम सदा करते आए हैं। तुम्हारा आश्रम जला देंगे हम, यही महाराज का आदेश है। तब तो मैं स्वयं तुम्हारे महाराज के समक्ष जाऊंगी और उन्हें बताऊंगी कि उनका अत्याचार और हमारा धैर्य दोनों अपनी अपनी सीमाएं पार कर चुके हैं। ¿Y
रेणुका। आप चिंता ना करें स्वामी, मैं शीघ्र लौट आऊंगी। आप नहीं चाहती कि आश्रम को आग लगा दी जाए? कौन चाहेगा राजन कि उसके परिश्रम को नित्य अग्नि ज्वाला की भेंट चढ़ाया जाए? तो एक काम कीजिए, एक दिन हमारे राजभवन आइए। हो सकता है कि ऋषियों और हमारे बीच कोई संधि का मार्ग निकला है। आप नहीं जानती देवी कि आपके प्रति हमारे मन में एक विशेष स्थान है। आप समझे नहीं ऋषिवर, हम अच्छी तरह जानते हैं कि देवी रेणुका एक राजकन्या है, उसका संबंध राजवंश से है। इस कारण वो आपकी तुलना में हमारे वर्ग के अधिक निकट है। यदि आप अब भी नहीं समझे ऋषिवर, तो कभी नहीं समझ पाएंगे। तो फिर आप ही समझा दीजिए ना राजन। कोई आवश्यक नहीं ऋषिवर कि हर बात हर एक की समझ में आ जाए। समझने वाले स्वयं ही समझ लेते हैं। कोई आवश्यक नहीं ऋषिवर कि हर बात हर एक की समझ में आ जाए। समझने वाले स्वयं ही समझ लेते हैं।
समझने वाले स्वयं ही समझ लेते हैं। पिताश्री, पिताश्री आप अभी तक सोए नहीं? रात्रि के कितने पहर बीत चुके हैं पुत्र? तीसरा पहर बीत चुका है पिताश्री। तीसरा पहर भी बीत चुका है। तीव्र हुई जब वासना मन पर छाया काम, ज्वाला में ऐसा जला भूल गया परिणाम। नारी के सम्मान से जो करता खिलवाड़, उस पापी के शीश पर टूटा सदा पहाड़, टूटा सदा पहाड़। जो सुनेगा ये पुराण पाएगा सुख और ज्ञान, पाएगा सुख और ज्ञान। धर्म को ही धर्म जान, प्रेम की तुझे चल।